क्लियर। एक बारी सब कुछ आ जाए तो एक बारी बता दीजिएगा। एक बारी बता दीजिएगा, सब कुछ आ गया तो बता दीजिएगा। एक से मैं अपने में भी देख ले रहा हूँ। देखिए आज का अधिकतर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, सबका हम पिक्चर से करने वाले वैसे भी। एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड। चलिए वॉइस वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक बार बता दीजिए बस। ओके ओके, चलिए चलिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले, देखो एक तो हमारा कल का कुछ बचा हुआ था, कल वाले चैप्टर में, मतलब जो हम सुपरलेटिव डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड का, उसमें से कुछ बचा हुआ है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आज के दो लेक्चर जो सम इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है और नेशनल एम्बलम है। मैं अधिकतर से अधिकतर इसमें आपको मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि एम्बलम के लिए मैंने सिंपल आपको के लिए क्या किया है, हर का सबका पिक्चर से आपको याद कराने की कोशिश किया, ताकि हम देख सके, जैसे पीसा का, जापान। तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो हम करते हैं। चलिए सब कुछ, एक भी चीज़ आपको ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं करना, याद करना होगा, आप यहीं से विजुअलाइज कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सिक्स चैप्टर, सेवन चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर का जो बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करें हम लोग, आप बता दीजिए आप लोग। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहां पे। हाँ, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेट। आपको पता है स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट हमें पता है, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे स्ट्रेट में हम डिस्कस कर चुके हैं, दो वाटर बॉडी, दो लार्ज वाटर बॉडी के बीच एक नैरो चैनल सा होता है, छोटा सा। तो सबसे नैरो स्ट्रेट की बात करें तो नैरो स्ट्रेट यहाँ पे मिल जाता है हमको। यहाँ पे एक लोकेशन है, आपको देखो एगियन सी में जो ग्रीस है, एगियन सी में जो ग्रीस वाला पोर्शन है, ये है ग्रीस वाला पोर्शन। तो ग्रीस वाला पोर्शन में यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है, आपको जिसका नाम है चालिक्स 45 यार्ड्स। इसका नाम है चालिक्स 45 यार्ड, इसे स्ट्रेट करना है, चालिक्स 45 यार्ड। ध्यान से देखिए कहाँ पे है, एगियन सी के पास है। एगियन सी ये सब कहाँ पे, ये सब मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। जैसे मेडिटेरेनियन सी में हम नहीं देखते, मेडिटेरेनियन सी में हम देखते एगियन सी। इस एगियन सी में जो ग्रीस है ना लोकेशन, इस स्ट्रेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। मेडिटेरेनियन सी की बात कर लेते हैं, और कौन कौन है उसमें, जैसे उसमें और बहुत सी है, एल्वोरन सी है, बोलियारिक सी है, टायरेनियन सी है, आयोनियन सी है। तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि भाई बताइए इटली कौन से दो सी के बीच है, तो आप बता सकते हैं एड्रियाटिक सी और टायरेनियन सी, ऐसे बता सकते हो। इटली का एक लोकेशन है सिसली, और आपको ये भी पता होगा इटली में ही एक लोकेशन है, इटली के रोम के पास एक लोकेशन है, आपको पता है वेटिकन सिटी, जो सबसे स्मॉलेस्ट देश है, हमें पता है सब कुछ। उसके अलावा ब्लैक सी यहाँ पे एक है, बोस्पोरस स्ट्रेट। बोस्पोरस स्ट्रेट किस किस के बीच है, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। ध्यान देना यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट याद कर लीजिए, इसलिए मैं इस लोकेशन को आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, सबसे पहले एक बोस्पोरस स्ट्रेट है, क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट तो देख ही लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ लोकेशन देख लेते हैं। बोस्पोरस स्ट्रेट किस किस के बीच है, ब्लैक सी इधर है और इधर है सी ऑफ मरमरा। उसके बाद एक है डेंड्रेलस स्ट्रेट, ये किस किस के बीच है, एक है सी ऑफ मरमरा और एगियन सी के बीच में है, और हमने ये तो देख लिया, ठीक है ना। एक है सी ऑफ क्रेट, क्लियर।
क्रेट के जस्ट ऊपर है, क्रेट आइलैंड है ना उसके जस्ट ऊपर है, क्लियर। और एक और चीज देख लेते हैं, मेडिटेरेनियन सी से कौन कौन सा देश बॉर्डर बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सीरिया, यहाँ पे देख सकते हो इजराइल, इजराइल का पार्ट है, यहाँ पे लेबनान का पार्ट है। ये एक्चुअली स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल हम कल डिस्कस किए थे। और स्वेज कनाल में ये जो पेनिनसुला है उसका नाम है सिनाई पेनिनसुला, ये हमें पता है। और इधर जो कंट्री है आपको पता है, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। और ये आपको पता है, हमने एक स्ट्रेट डिस्कस किया था, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट हमारा फैक्ट डिस्कस करते हैं। फैक्ट के साथ हम थोड़ा सा आज से खेलेंगे। लार्जेस्ट गल्फ, ध्यान देना, लार्जेस्ट गल्फ कौन सा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो सबसे पहले बताया जाता है इसका शोर लाइन है 2100 माइल्स। तो शोर लाइन का मतलब क्या होता है? ये होता है कितना लेंथ है इसका। अगर कोई गल्फ है तो गल्फ तो आपको पता है एक वाटर बॉडी होता है, वाटर बॉडी। तो सिंपल यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको गल्फ दिखा दूँ, ये है गल्फ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो कितना लंबा शोर लाइन है, क्लियर, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको किससे, किस वाटर बॉडी से अटैच है आप देख सकते हो। एक कैरिबियन सी इधर से, इधर अटलांटिक ओशन, ये आपसे पूछा जा सकता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ से है? एक कैरिबियन सी और यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और अटलांटिक ओशन आपको पता है सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है आफ्टर पैसिफिक, और इसका शेप जो है एस शेप का है, ये भी हमें पता है, क्लियर। और एक यहाँ पे एक स्ट्रेट है, यहाँ पे एक पनामा का नाम सुना हो, पनामा स्ट्रेट, पनामा चैनल या पनामा स्ट्रेट बोलते हैं। वो पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ता है। पनामा जब लीक्स पेपर वाला हुआ था तो उसमें आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा उसका। चलिए, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हमें पता चल गया। उसके बाद लार्जेस्ट आर्किपेलागो है, कौन सा है? मलाय आर्किपेलागो। तो आप ये मत समझना मलाय का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया है, नहीं, मलाय का मतलब है ऑलमोस्ट 2500 से ज्यादा इसमें आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे देश है। उसके अलावा लार्ज कंट्री भी है, जैसे इंडोनेशिया में आपको दिखाता हूँ, मलाय पेनिनसुला में ये सारे देश मलाय पेनिनसुला के हैं। चाहे आपको सुमात्रा की बात कर ले, देखो सुमात्रा, जावा और बोर्नियो ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। ये न्यू गिनिया और इवन मलेशिया और फिलीपींस, ये सब के सब मलाय आर्किपेलागो का पार्ट है। तो बहुत छोटे छोटे भी देश हैं लेकिन लार्ज देश भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे लार्जेस्ट आर्किपेलागो बोले तो आप मलाय आर्किपेलागो का बात करना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जहां पे लोकेशन हमें बताना है वो बताएंगे, जो एकदम बिल्कुल फैक्ट होगा, आसान सा फैक्ट, उसमें जरूरी नहीं लोकेशन दिखाना। देखिए यहां पे है टॉलेस्ट एक्टिव गीजर। तो गीजर का मतलब आता कैसे है भाई? देख लो, अगर अर्थ है, अर्थ के नीचे कहीं मैग्मा है, मैग्मा है बहुत ज्यादा अर्थ के नीचे, तो आपको नहीं लगता मैग्मा इसके ऊपर के वाटर को क्या करेगा? गर्म करेगा। गर्म करेगा, ज्यादा गर्म होगा तो इसमें हॉटनेस के कारण ऊपर नहीं चला जाएगा, क्योंकि हल्का होता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, लेकिन जाएगा तो एटलीस्ट ऊपर। इसी को बोलते हैं गीजर। तो सबसे लार्जेस्ट टॉलेस्ट एक्टिव, टॉलेस्ट ध्यान देना, टॉलेस्ट, और जो एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि पहले, ऐसा एग्जाम्पल इसमें नहीं बोला जा रहा, एक्टिव हो सकता है पिछले कुछ समय में, आज से 100 साल पहले कोई और जो होगा सबसे लार्जेस्ट रहा होगा, लेकिन वो अब एक्टिव नहीं है, इसलिए उसको हम कैटेगरी में उसको ज्वाइन नहीं करवाते। टॉलेस्ट एक्टिव गीजर क्या है? नाम है स्टीम बोट, स्टीम बोट गीजर। कहाँ पे है? जो एक यूएसए का एक पार्क है, येलो स्टोन पार्क, वहां पे है। देख लो 300 फीट कितना हाइट पे होगा और कितना अमेजिंग दृश्य लगता होगा इसका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू तो नहीं? इशू हुआ तो प्लीज 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 बताना कुछ किसी लोकेशन में। चलो, लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है? अमेजन रिवर बेसिन हमें पता है, ऑलमोस्ट 7,20,000 स्क्वायर माइल्स में है। यहाँ पे देखो कितना लार्ज है, यहां से देख लो, यहां से कितना सारा, सारे देश में अटैच है। आप बोलीविया के नीचे छोड़ दो, ब्राजील,
बोलीविया, कोलंबिया, इवन गुयाना, क्लियर, इन सब देशों में आपको पता सरीनेम, इन सब देशों में है इसका पार्ट, इवन इक्वाडोर में भी है, पेरू में भी है, नीचे इससे नीचे नहीं है। लेकिन आप देख लो ये पूरा लार्ज इसका बेसिन एरिया है। बेसिन एरिया का मतलब है रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी, जो एरिया को कैप्चर करती है वो सब इसके बेसिन एरिया में इंक्लूड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये तो हो गया पिक्चर हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो कि मिलता है अर्थ पे, उसका नाम है डायमंड, हम सबको पता है। डायमंड। उसके बाद लॉन्गेस्ट विंग स्प्रेड वर्ड, मतलब कि जो वर्ड होती है वो अपना अगर विंग को स्प्रेड करे, अपने पंख को फैलाए, तो सबसे लॉन्गेस्ट किसका विंग होता है, इसका नाम है सूटी एल्वेट्रोस। देखो ऐसे चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान ही रख लेना होगा क्योंकि इस पे ज्यादा हम डिटेल में कर भी नहीं सकते, क्लियर, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन जान के हम क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछना भी काफी टफ हो जाएगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछना। देखो फास्टेस्ट डॉग कौन सा, पर्सियन ग्रे हाउंड, पर्सियन ग्रे हाउंड, इसका स्पीड है ऑलमोस्ट 43 माइल पर आवर, क्लियर ना। उसके बाद बात करें सबसे लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, जिसका नाम है किंग कोबरा, हमें पता है सबसे लॉन्गेस्ट है लेकिन पॉइजनस है किंग कोबरा, हमें पता है। बिगेस्ट फ्लावर अगर बात करें, रेफेसिया और नॉल्डी है, जाबा में मिलता है, जाबा, जाबा हमने देखा था ना लोकेशन, जाबा एक्चुअली, एक बात बताओ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है ना, आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा भी हुआ था कि इंडोनेशिया का जो अभी तत्काल में कैपिटल है वो किस आइलैंड पे, क्योंकि आपको पता है इंडोनेशिया बहुत सारे आइलैंड से मिला है, तो अभी किस आइलैंड पे, तो अभी है जावा आइलैंड पे, जावा आइलैंड पे उसकी कैपिटल है जाकर्ता, क्लियर। जाकर्ता में आपको पता होगा एशियान का हेडक्वार्टर है, क्लियर। उसके बाद बात करें तो लार्जेस्ट चर्च कहाँ पे, लार्जेस्ट चर्च कहाँ पे, वेटिकन सिटी में है, जिसका नाम है बेसिलिया ऑफ सेंट पीटर, बेसिलिया ऑफ सेंट पीटर, कोई दिक्कत नहीं, बेसिलिया ऑफ सेंट पीटर। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट टेम्पल, लार्जेस्ट टेम्पल एक्चुअली अंकोर वॉट है, कंबोडिया में मिला, और इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करी इस पे, और ज़्यादा एक्सकावेशन करने के लिए और इसको संजो के रखने के लिए कंबोडिया में, क्लियर। तो इस कारण और इसमें जो भगवान है वो है भगवान विष्णु, क्लियर, ये है कंबोडिया का, देख लो कितना लार्ज टेम्पल है, यहाँ पे है एक्चुअली कंबोडिया, क्लियर। कंबोडिया गल्फ ऑफ थाईलैंड से अटैच होता है, और कंबोडिया किस किस देश से टच करता है, देख लो थाईलैंड है एक इधर, इधर लाओस है, इधर वियतनाम है, और इधर आपको पता है गल्फ ऑफ थाईलैंड, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो लैंड लॉक कंट्री है लाओस है, ये सब किसका पार्ट है आपको पता होगा, एशियान का पार्ट है, एशियान, एशियान का पार्ट है, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज 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 पूछ लो ना, पूछ लेना, क्लियर। उसके बाद बात करें तो लार्जेस्ट रिवर इन वॉल्यूम, ऑब्वियसली हमने अमेजन का बात देखा, अमेजन, एक देखो एक तो लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट सिर्फ नील है, उसके अलावे इसमें सबसे ज्यादा इसका बेसिन एरिया है, इवन वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, क्लियर। उसके अगर बात करें लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर तो कौन है, रामेश्वरम में एक रामानाथा स्वामी टेम्पल का कॉरिडोर है, ऑलमोस्ट 500 फीट, रामानाथा स्वामी कहाँ पे है, रामेश्वरम में, रामेश्वरम ही वो प्लेस है जो श्रीलंका से काफी नजदीक है, क्लियर। हाईएस्ट स्ट्रीट डैम कौन सा है, भाखड़ा नागल डैम जो कि इंडिया में है, क्लियर। विष्णु रिवर हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इतने में हमें हो गया, इतना हमें, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड मुझे रुक चाहिए, बर्ड विथ नेवर में, देखो इसमें से जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन इधर का थोड़ा है ना, उसमें से कई सारा इन्फॉर्मेशन हम कर चुके हैं, जैसे यहाँ पे एक्चुअली वो लिखना भूल गए थे, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट कैपिटल सिटी, तो बोलीविया का कैपिटल है ला पाज, ये है हाईएस्ट कैपिटल सिटी। लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट, ध्यान देना एशियन डेजर्ट की बात करें तो है गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, मंगोलिया और चाइना में है, एक से रुक जाना, रामेश्वरम तमिलनाडु, करेक्ट बोला दीप्ति, क्लियर।
उसके बाद अगर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूछे तो इंडिया हमें पता है, लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी तो आपको, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी पूछे तो इसमें आता है यूएसए। लार्जेस्ट नेक एलिमेंट हम बता चुके हैं। लार्जेस्ट एनिमल ऑफ कैट फैमिली, ध्यान है कैट फैमिली का सबसे लार्जेस्ट एनिमल है लायन। क्लियर। मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल तो हमें पता है चिंपांजी, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल चिंपांजी। एक बर्ड है जो कभी अपना घोंसला नहीं बनाता, उसका नाम है ककू। उसके बाद जिसके पास विंग नहीं होता, एक ऐसा वर्ड जिसके पास विंग नहीं होता, विंगलेस वर्ड होता है, जिसका नाम है कीवी। कीवी आपको पता है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का वर्ड है। क्लियर। रेप्टाइल जो अपना कलर बार बार चेंज करता है उसको बोलते हैं कैम्बरलियन, कैमरलियन। क्लियर। और उसका लार्जेस्ट मैमल तो आपको पता है ब्लू फिल। ठीक है, इतने में कोई डिस्कस दिक्कत नहीं ना। अब हम इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स डिस्कस कर लेते, जो हमारा 6th चैप्टर दिया है। हाँ विदित, क्या एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग इकोनॉमिक्स भी, देखो लाइफ में क्या होता है पता है, कभी कभी होता है रिकॉर्डिंग में मैं थोड़ा थोड़ा होता है ना आलसीपन आ जाता है, तो क्या आप लोग टाइम बता दीजिए, मतलब थोड़ा रात का लेकिन टाइम बताइए, उस वक्त हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करें, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का बचा हुआ, या इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी होगा उस दिन उस टाइम पे करेंगे। आप लोग एक टाइम डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा, लेकिन नाइट का। तो हम, हाँ नहीं तो मैं खुद बताऊंगा। तो दो टाइम हम लोग और लेते लेंगे, एक तो हम करेंट अफेयर्स के लिए कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेंगे, करेंट अफेयर्स के लिए भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही हम लोग किसी टाइम निकालेंगे रात में ही, जो हमारा कम से कम पिछले 6 to 7 month का एटलीस्ट कर ले, किसी भी बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से। 10 PM भी सही रहेगा। हाँ आप लोग डिस्कस करके मुझे बता देना, लेकिन हाँ हम कोशिश करें उसी मतलब लाइव ही ले, क्योंकि लाइव में क्या होगा आपका क्लियर भी साथ साथ हो जाएगा, इकोनॉमिक्स थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है तो क्लियर भी हो जाएगा, और इससे होगा कि मुझे लगे कि मुझे करना है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में कभी कभी मुझे लगता है यार बाद में कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना, ये हो जाता है। ठीक है ना। चलो तो हम अब डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, और जो कि ये स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, ध्यान देना। और ठीक है ना, इतना इतना क्लियर है कि नहीं बताइए। क्लियर है कि नहीं बता दीजिए, अब चले आगे हम लोग। हमें सर, ओके ओके। हाँ करेंट अफेयर्स तो हम लोग करेंगे एमसीक्यू से ही। चलो तो हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया का, जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम पिक्चर से ही करते हैं। ठीक है ना, ये हम रहने देते हैं, इसका हम नहीं करते हैं, सीधा हम आगे चलते हैं पिक्चर से। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है एक लीनिंग टावर है पीस, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये कहाँ पे, इटली में है। क्लियर। इटली का लोकेशन हमने मेडिटेरेनियन सी में देख लिया था, और दो ओशन के बीच भी देखा था, वो कहाँ पे है वो हमें पता है, इटली में ही। इटली का जो कैपिटल है वो रोम है, हमें पता है, और इटली में ही है आपको पता है वेटिकन सिटी, भले ही अलग कंट्री है लेकिन चारों तरफ इटली से घिरा है चारों तरफ से। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है इम्पीरियल प्लेस। इम्पीरियल प्लेस का मतलब होता है कोई भी राजा महाराजा वगैरह का प्लेस नहीं होता, या हम ऐसा सोच सकते हैं जो गवर्नमेंट का प्लेस होता है वो है जापान में, इम्पीरियल प्लेस। तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्पीरियल प्लेस कहाँ पे मिलता है, तो वो बता देना, टोक्यो जापान में। ओके ओके क्वीन। ठीक है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमें पता है न्यूयॉर्क में मिलता है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी हमें पता है। उसके बाद ओपेरा हाउस है ऑस्ट्रेलिया में, ओपेरा हाउस देखो ऐसा लोकेशन है पानी में है कुछ ऐसा, ध्यान से देखना, वो है ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। क्लियर। ओपेरा हाउस।
उसके बाद बात करें आईफिल टावर, आईफिल टावर कहाँ पे, पेरिस में है, पेरिस है फ्रांस की कैपिटल, आईफिल टावर सबको पता है। उसके बाद बात करें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब ग्रेट वॉल कहाँ पे है, चाइना में है, क्लियर, ग्रेट वॉल है चाइना में। उसके बाद एक्चुअली नॉर्थ चाइना में, नॉर्थ साइड में है। उसके बाद अब देखो यहां से हम ऐसे नहीं करते हैं, एक है क्रेमलिन, क्रेमलिन जगह है कहाँ पे, रसिया की कैपिटल मॉस्को में, देखो क्रेमलिन जगह है यहाँ पे रसिया की कैपिटल मॉस्को में, चलो। उसके बाद पार्थेनॉन, ऐसा लोकेशन आपको देख सकते हो पार्थेनॉन, ये है ग्रीस के एथेंस नामक जगह में, ग्रीक के एथेंस नामक जगह में, ग्रीस के, अभी तक अभी हमने ग्रीस के बारे में एक लोकेशन डिस्कस किया था ना, सबसे नैरोएस्ट स्ट्रेट वहीं पे है, ठीक है। उसके बाद बात करें पिरामिड, हम सबको पता है इजिप्ट में मिलता है, इजिप्ट का गीजा जो जगह है वहां पे मिलता है इजिप्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें वेलिंग, वेलिंग वॉल, वेलिंग का अगर अगर हिंदी मीनिंग आप देखोगे ना, वेलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, तो इस प्लेस का नाम शायद इसी कारण होगा क्योंकि जेरूसलेम, जेरूसलेम में है, क्लियर। जेरूसलेम एक डिस्प्यूटेड जगह है, डिस्प्यूटेड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है ना। और ताजमहल बताने की जरूरत नहीं है, आगरा इंडिया, क्लियर। उसके बाद अगर इसका देखो, इसका है कालीजियम, कालीजियम इसको बोलते हैं, कालीजियम इटली में है। तो इटली से हमने कई लोकेशन याद कर लिए, इटली से हमने याद कर लिया द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उसके बाद कालीजियम हमने याद कर लिया, दो हमने याद कर लिया इटली से, और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम नेशनल एम्बलम डिस्कस करते हैं, बताइए कोई दिक्कत होगा तो बताइए। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हम लोग पिक्चर देख के पीडीएफ भेजूंगा तो सीधा आपको एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जितना जितना ज्यादा मैं देखो, मुझे उतना ज्यादा लाइफ का आइडिया नहीं है, तो जितना मैं लेते जाऊंगा उतना मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो और अच्छा होता जाएगा। बट आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इधर से मेरा सपोर्ट बढ़ता रहे, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, और उधर से आप लोग इसको और बढ़ाते रहिए, क्लियर क्लियर। और एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं लुसेंट का ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव भी करा रहा हूँ, और जिनको ज़रूरत हो वो मेरे को मुझे कॉल या मैसेज कर सकता है, नंबर है ये 9582062485, किसी चीज़ पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम या नॉर्मल मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है ऑलरेडी, क्योंकि चलो अब डिस्कस करते हैं। नेशनल एम्बलम ऑफ सम कंट्री, इंपॉर्टेंट कंट्री का नेशनल एम्बलम यहाँ पे दिया है, ऑलमोस्ट कितने कंट्री का है, 14 नहीं, 14 कंट्री का है, सारा लोग दिया हुआ है नेशनल एम्बलम, ठीक है चलो। इंडिया का ऑब्वियसली लायन कैपिटल है, कहाँ से लिया गया हमें पता है, सारनाथ, सारनाथ जगह आपको पता होगा, सारनाथ क्यों, आपको आपको ये पता होगा, बुद्धा जब पहली बार शरमन दिए थे, शरमन मतलब पहली बार जो होता है ना प्रीच करना, लोगों को बताना, तो पहली बार अपने पांच शिष्य के सामने जो शरमन दिए थे वो जगह का नाम सारनाथ। और एक और चीज, जो पहली बार जो शरमन दिए थे शरमन, उसका नाम क्या है आप लोग को पता है, उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, क्लियर। तो कम से कम आप ये तो ध्यान रखिए, बुद्धा के लाइफ से जो चार इंपॉर्टेंट लोकेशन चीज है ना, वर्ड है, वो याद रख लिए, जब वो घर से निकले थे, ठीक है ना, जिसको हम वहां भी निष्क्रमण बोलते हैं, जब उसको इनलाइटनमेंट मिली थी, जब पहली बार शरमन दिए, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, डेथ को महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ये सब आप याद रख लिए। अशोक स्तंभ, करेक्ट, हाँ अशोक स्तंभ अशोक ने बनाया था सारनाथ में, वहीं से लिया गया है, इसको एबेकस बोलते हैं आपको पता है, इसको लोटस टेम्पल बोलते हैं, लोटस कैपिटल, ठीक है। सेकंड है बांग्लादेश की है वाटर लिली, बांग्लादेश की है वाटर लिली एम्बलम, नेशनल एम्बलम। अगर आप बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड की कोट ऑफ आर्म्स, नीदरलैंड की कोट ऑफ आर्म्स, एक और देश है जिसकी कोट ऑफ आर्म्स है वो है इटली, नीदरलैंड और इटली दोनों का है कोट ऑफ आर्म्स, इटली और नीदरलैंड दोनों का है कोट ऑफ आर्म्स। यूके का है रोज, क्लियर।
और रोज एक्चुअली पीस का प्रतीक होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा क्योंकि वो इतना एक दूसरे देश को कॉलोनी बना रहे थे, पीस तो झलक नहीं रहा था। यूएसए का है बाल्ड ईगल, क्लियर बाल्ड ईगल। उसके बाद इटली का हमने देख लिया कोट ऑफ आर्म्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है गोल्डन बैटल, गोल्डन बैटल ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, उसके अलावा अगर बात करें न्यूजीलैंड का है सिल्वर फॉर्न पत्ती जो है। जर्मनी का है फेडरल एगल, फेडरल एगल जर्मनी का है फेडरल एगल। और उसके बाद बात करें नॉर्वे का, नॉर्वे का भी है कोट ऑफ आर्म्स। तो आपने देखा कोट ऑफ आर्म्स तीन का है यार, कोट ऑफ आर्म्स तीन का है, नॉर्वे इटली और नीदरलैंड, नॉर्वे इटली और नीदरलैंड, एनियन तीन का है। ईरान का है लायन और पीछे है सन, लायन एंड सन, क्लियर। फ्रांस का है लिली, लिली फ्लावर है। उसके बाद कनाडा का है मैपल लीफ, मैपल लीफ, मैपल लीफ है कनाडा का, क्लियर। और मैपल लीफ इसको लिली भी बोलते हैं, क्लियर। तो एक चीज हमारा हो गया आज का, हमने बोला था 6-7 चैप्टर आज कर लेंगे, तो कल हमें कौन कौन डिस्कस करना है। एक तो नेशनल एलिमेंट ऑफ सम कंट्रीज, तो हम ध्यान देखेंगे जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स हो सके उतना हम कराएंगे, जितना आपको जल्दी समझ में आ जाए ये हम लोग कोशिश करेंगे। हाय हाय सदा। क्लियर, जितना अच्छे से समझ में आ जाए, जितना जल्दी समझ में आए। तो हमारा क्लास यहीं पे एंड होता है। आप लोग बता दीजिए कि आप लोग टाइमिंग बता दीजिए, 2 क्लास हम लोग और लेंगे, मतलब मार्च से कम से, अगर इस महीने नहीं भी हो जाए मार्च से हम लोग करेंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे करेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स मैं सोच रहा हूँ कल परसों से ही कर दूँ। आप लोग बता दीजिए टाइमिंग, क्लियर। तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम नेशनल एनिमल ऑफ सम कंट्रीज डिस्कस करेंगे, उसके अलावे न्यूज एजेंसी डिस्कस करेंगे कुछ कंट्री का, क्लियर। न्यूज एजेंसी डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम आगे भी डिस्कस कर देंगे। उसके बाद एक लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते 8, 9 और 10। ओके ओके, 8, 9 और 10 हम कल कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ और बोलना है तो आप बता दीजिए, कुछ और आपको चाहिए, किसी को कुछ और आपका आइडिया हो। बताइए, कोई और आइडिया हो आपको लगता हो। ओके ओके, वेलकम वेलकम। चलिए, तो आप लोग शेयर जरूर करना, अगर मतलब अपने दोस्तों को जरूर बताना कि मतलब करा रहे हैं कोई एनसीईआरटी जोन पे, तो अपने दोस्तों को जरूर बताना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, इंस्ट्रूमेंट भी हम करवा लेंगे। अब हो गया ना, जैसे ये क्लास हम लोग देखो किसी दिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी होगा तो ये क्लास उस दिन नहीं होगा, लेकिन इस क्लास को हम रोकेंगे नहीं। और एक और टाइमिंग ऐसा बना लेते हैं जिसको भी हम नहीं रोकेंगे, मतलब 2 टाइमिंग और एक करेंट अफेयर्स के लिए हम मार्च से तो बनाना ही बनाना है, तो 3 टाइमिंग हमारा रहेगा और कोशिश करेंगे ना, हो जाएगा यार। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग कल, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ कुछ पूछना है तो आप बता दीजिए ना, अभी मैं देख रहा हूँ मैसेज।
किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बता दीजिए, अभी बता दीजिए, मैं देख रहा हूँ। मतलब कुछ और आइडिया हो कि कुछ और ऐसे करना चाहिए या कुछ। ओके ओके, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल सेम टाइम पे।